नमस्कार। लगातार हम अपने कार्यक्रम सरकारी योजना में स्वरोजगार से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए होटल व्यवसाय से जुड़े प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। साथ ही आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपके मन में होटल व्यवसाय से जुड़े कुछ भी डाउट हैं तो बस आज इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है। यहाँ राज्य की आय में एक बड़ी हिस्सेदारी पर्यटन की है। वर्तमान समय में टूरिस्टों को ठहरने और खाने के लिए अच्छे होटलों की जरूरत पड़ रही है। इसी मांग को देखते हुए यह कार्य आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो रहा है। तो जानते हैं ऐसे में आप होटल सेक्टर से जुड़े बिजनेस को भला कैसे शुरू कर सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले आपको एक भवन की जरूरत पड़ेगी। या तो वह भवन आपका खुद का होना चाहिए, वरना आप इसे लीज पर भी ले सकते हैं। दूसरा, आपको उस भवन में सभी सुविधाओं से लैस कम से कम 12 रूम बनाने होंगे। तीसरा, आपको प्लांट मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, जैसे वाटर प्यूरिफायर, फिल्ट्रेशन प्लांट, एसी, फ्रिज, लॉन्ड्री सामान, किचन के उपकरण यानी बर्तन, फायर फायरिंग उपकरण, बेड, फर्नीचर, टेलीफोन उपकरण और लिफ्ट के साथ ही आवश्यकता अनुसार आप उसमें स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं। कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल में आपको होटल के बेड के बिस्तर, रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए आटा, चावल, नमक, तेल, घी, दाल, मसाले, सब्जियां यानी रोजमर्रा और सफाई का सामान भी रखना होगा। विद्युत पानी के रखरखाव और मरम्मत की भी आपको जरूरत पड़ेगी। होटल ऑपरेट करने के लिए 8 से 10 नियमित कर्मचारियों की भी आपको रिक्वायर्ड होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सभी खर्चों को दर्शाने के बाद 25% आपका योगदान होगा, जबकि 75% पूंजी के लिए आपको बैंक से वित्तीय सहायता मिल सकती है। जिला उद्योग केंद्र की माने तो आपको वित्तीय सहायता लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने बजट का आकलन करना चाहिए। उसके बाद लोन यानी वित्तीय सहायता के लिए आपको अपने बैंक से बात करनी होगी, जिससे बैंक आपकी सिविल देखकर बता सके कि आप इस ऋण लेने के पात्र हैं या नहीं, कहीं आप किसी बैंक के ओल्ड डिफॉल्टर तो नहीं रहे हैं। अगर बैंक हामी भरता है तो आपको फिर उस स्कीम की जिला उद्योग केंद्र या जिला पर्यटन कार्यालय से जानकारी जुटाकर MSY या PMEGP योजना में ऑनलाइन अप्लाई करके बिजनेस शुरू करना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। स्वरोजगार से जुड़ी वीडियो की नई सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और यदि आपको आटा चक्की से जुड़े बिजनेस के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर जान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और स्वरोजगार की ऐसी ही नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।